My dear students, dear friends and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. Yash Chandra online classes for education. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से Dr. Yash Chandra online classes for education में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ. आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है. In today's class we will discuss about the 40 important multiple choice questions related with educational research and assessment, educational evaluation, educational measurement. प्रिय विद्यार्थियों, आज के क्लास में हम सभी लोग शैक्षिक शोध, आकलन, मापन, मूल्यांकन से संबंधित 40 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का अभ्यास करेंगे. Today's first question is on your screen. The question is test measures. Question number 61. Test measures. Options are overt behavior, covert behavior, or both overt and covert behavior. And D is none of the above. तो प्रिय विद्यार्थियों, जो टेस्ट होता है, जो परीक्षण होता है, वह ओवर्ट बिहेवियर का भी मापन करता है और कोवर्ट बिहेवियर का भी मापन करता है. सो द ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन, बोथ ओवर्ट एंड covert behavior. The option C is the right option. The next question, question number 62. In SRSWR, that is simple random sampling with replacement, the same sampling unit may be included in the sample. अर्थात simple random sampling with replacement जो होता है उसमें जो same sampling होती है, same sampling unit जो होता है उसको include किया जा सकता है. Only once, two times or more than once. एक बार, दो बार या एक से अधिक बार, and D none. तो कितनी बार किया जा सकता है प्रिय विद्यार्थी, चूंकि ये क्या है, सिंपल रेंडम सैंपलिंग विथ रिप्लेसमेंट है. रिप्लेसमेंट अर्थात बार बार उसको रिप्लेस किया जाएगा, फिर से उसे मिलाया जाएगा. तो यहाँ पे मोर देन वंस टाइम, एक से अधिक बार जो है उसको हम सम्मिलित कर सकते हैं. सो द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन. द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63. द क्लासिफिकेशन ऑफ टेस्ट इंटू इंडिविजुअल टेस्ट एंड ग्रुप टेस्ट इज बेस्ड ऑन. किसी भी परीक्षण को हम इंडिविजुअल टेस्ट और ग्रुप टेस्ट में जब बांटते हैं, क्लासिफाई करते हैं, तो किस पर बेस्ड होता है. ऑप्शंस आर ए इवैल्यूएशन, बी एडमिनिस्ट्रेशन, सी लैंग्वेज और डी स्टैंडर्डाइजेशन. तो प्रिय विद्यार्थियों, ग्रुप टेस्ट एंड इंडिविजुअल टेस्ट, ये जो दो कैटेगरी है, इसको हम सभी लोग ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन के आधार पर क्लासिफाई करते हैं. सो द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन. द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64. The discrepancies between the estimate and the population parameter is known as. अर्थात जो एस्टिमेट होता है, दैट इज सिंपल एस्टिमेट, और पॉपुलेशन पैरामीटर के बीच में जो डिस्क्रिपेंसीज होती है, अंतर होता है, उसको हम क्या कहते हैं. ऑप्शंस आर ए सैम्पलिंग एरर, बी नॉन सैम्पलिंग एरर, सी फार्मूला एरर और डी नन. तो प्रिय विद्यार्थियों, द डिस्क्रिपेंसीज बिटवीन द एस्टिमेट एंड द पॉपुलेशन पैरामीटर इज नोन एज सैम्पलिंग एरर. उसको हम सभी लोग सैम्पलिंग एरर नाम देते हैं. सो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन. द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65. अकॉर्डिंग टू गिलफर्ड 1954, हाउ मेनी मोर आइटम्स शुड बी रिटेन फॉर द प्रीलिमिनरी फॉर्म ऑफ अ टेस्ट देन आर वांटेड इन द फाइनल फॉर्म. अर्थात फाइनल फॉर्म में जितना प्रश्न चाह रहे हैं, तो प्रीलिमिनरी या प्रारंभिक रूप में कितने प्रश्नों का निर्माण करना चाहिए. ए है टू टाइम्स, बी इक्वल टू द फाइनल फॉर्म, सी अप टू 50% मोर एंड डी एज मेनी एज पॉसिबल. तो प्रिय विद्यार्थियों, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा भी था कि 50% अधिक प्रश्नों का निर्माण करना चाहिए. आपको 100 प्रश्न जो है फाइनल टेस्ट में रखने हैं, तो कम से कम आपको 150 प्रश्नों का निर्माण करना चाहिए. सो द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन. द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66. द क्वेश्चन इज अ न्यूमेरिकल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पॉपुलेशन इज कॉल्ड एज. पॉपुलेशन के लिए, जनसंख्या के लिए जो न्यूमेरिकल करेक्टरिस्टिक्स होता है, उसकी जो आंकिक विशेषताएं होती है, उसे कहते हैं क्या कहते हैं, स्टेटिस्टिक कहते हैं, एस्टिमेट कहते हैं, पैरामीटर कहते हैं या सैम्पलिंग फ्रेम कहते हैं. तो प्रिय विद्यार्थियों,
पॉपुलेशन के लिए जो न्यूमेरिकल करेक्टरिस्टिक होता है दैट इज नोन एज पैरामीटर। पैरामीटर कहा जाता है पॉपुलेशन के लिए, और स्टैटिस्टिक और एस्टिमेट जो है वो किसके लिए है, सैंपल के लिए। सो द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, द क्वेश्चन इज द एरर इन अ सर्वे अदर देन सैम्पलिंग एरर इज नोन एज। सैम्पलिंग एरर के अलावा जो एरर होता है किसी सर्वे में उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन आर ए सैम्पलिंग एरर, बी नॉन सैम्पलिंग एरर, सी फॉर्मूला एरर, और डी नन। तो प्रिय विद्यार्थियों, सैम्पलिंग एरर के अलावा जो दूसरा एरर होता है, जो त्रुटि होती है, दैट इज नोन एज नॉन सैम्पलिंग एरर। सो द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। द एरर्स इन अ सर्वे अदर देन सैम्पलिंग एरर इज नोन एज नॉन सैम्पलिंग एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, द डिस्क्रिपेंसीज बिटवीन सैम्पल एस्टिमेट एंड द पॉपुलेशन पैरामीटर इज कॉल्ड एज। सैम्पल एस्टिमेट और पॉपुलेशन पैरामीटर के बीच में जो डिस्क्रिपेंसीज होती है उसे हम क्या कहते हैं? योर ऑप्शंस आर ए पर्सनल एरर, बी सैम्पलिंग एरर, सी रिस्पांस एरर, एंड डी नॉन सैम्पलिंग एरर। सो द डिस्क्रिपेंसीज नोन एज सैम्पलिंग एरर, अर्थात जो सैंपल एस्टिमेट और पॉपुलेशन पैरामीटर होते हैं इसके बीच में जो अंतर होता है, डिस्क्रिपेंसीज होती है, उसके हम लोग सैंपलिंग एरर नाम देते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, अकॉर्डिंग टू कॉनराड 1948 विच एडमिनिस्ट्रेशन इज अ काइंड ऑफ ड्रेस रिहर्सल। ड्रेस रिहर्सल किस एडमिनिस्ट्रेशन को हम लोग कहते हैं? प्रिय विद्यार्थियों, यह प्रश्न है और आपके ऑप्शन जो है वो आपकी स्क्रीन पर, ए फर्स्ट, बी सेकेंड, सी थर्ड, एंड डी ऑल ऑफ दीज। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो तीसरा, जो थर्ड वाला होता है, थर्ड एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है उसका नाम होता है ड्रेस रिहर्सल। सो अकॉर्डिंग टू कॉनराड 1948, द थर्ड रिहर्सल इज अ काइंड ऑफ ड्रेस रिहर्सल। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, इफ एवरी यूनिट इन अ पॉपुलेशन हैज एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड इन सैंपल, द सैंपल इज। ऑप्शंस ए बायस सैंपल, बी रैंडम सैंपल, सी कन्वीनियंस सैंपल, एंड डी क्लस्टर सैंपल। तो प्रिय विद्यार्थियों, जब प्रत्येक यूनिट का पॉपुलेशन के प्रत्येक यूनिट का सैंपल में चयन होने के चांस बराबर होते हैं तो ऐसे सैंपलिंग को हम लोग बोलते हैं रैंडम सैंपलिंग। सो द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। सिंपल रैंडम सैंपलिंग इज अ मेथड इन विच एवरी एलिमेंट ऑफ द पॉपुलेशन हैज एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग इंक्लूडेड इन द सिंपल। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, द क्लासिफिकेशन ऑफ टेस्ट इनटू सब्जेक्टिव टेस्ट एंड ऑब्जेक्टिव टेस्ट इज बेस्ड ऑन। जो टेस्ट होता है, परीक्षण होता है, उसको हम सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दो प्रकार के परीक्षणों में विभाजित करते हैं। किस पर बेस्ड होता है? ऑप्शन आर ए इवेल्युएशन, बी एडमिनिस्ट्रेशन, सी लैंग्वेज, एंड डी स्टैंडर्डाइजेशन। सो The basis is evaluation. On the basis of evaluation, we can classify the test into subjective test and objective test. So, the A option is the right option. The next question, question number 72. Which of the following level of measurement provides the maximum information? Maximum information किस level of measurement से मिलता है? A ratio, B nominal, C interval, and D ऑर्डिनल। तो डियर स्टूडेंट्स, हम सभी लोगों ने पढ़ा है कि नॉमिनल होता है सबसे लोवेस्ट लेवल, देन नॉमिनल के बाद ऑर्डिनल, देन इंटरवल, और जो सबसे हाईएस्ट लेवल होता है दैट इज रेशियो लेवल। तो रेशियो लेवल के द्वारा हमको सबसे अधिक इंफॉर्मेशन मिलता है। सो द हियर ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, अ फंक्शन ऑफ सैंपल ऑब्जर्वेशन इज नोन एज। सैंपल ऑब्जर्वेशन के लिए जो फंक्शन होता है उसको हम कहते हैं स्टैटिस्टिक कहते हैं, एस्टिमेटर कहते हैं, या बोथ ए एंड बी, और डी नन। तो प्रिय विद्यार्थियों, क्या कहते हैं? फंक्शन ऑफ सैंपल ऑब्जर्वेशन इज नोन एज स्टैटिस्टिक एज वेल एज एस्टिमेटर। सो द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। द सैंपल मीन इज एन एस्टिमेटर फॉर द पॉपुलेशन मीन। एन एस्टिमेटर इज ए स्टैटिस्टिक दैट एस्टिमेट्स सम फैक्ट अबाउट द पॉपुलेशन। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, ड्यूरिंग द प्लानिंग फेज ऑफ अ टेस्ट फॉलोइंग थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट। प्लानिंग फेज के दौरान कौन कौन सी बातें इंपॉर्टेंट होती हैं जब हम किसी परीक्षण की प्लानिंग कर रहे होते हैं? ऑप्शन है पर्पज ऑफ द टेस्ट, नॉलेज अबाउट टारगेट सब्जेक्ट्स, रिलायबिलिटी ऑफ द टेस्ट, एज ग्रुप एंड और ग्रेड ऑफ सब्जेक्ट्स। तो प्रिय विद्यार्थियों, पर्पज ऑफ द टेस्ट जरूरी है, नॉलेज अबाउट द टारगेट सब्जेक्ट्स भी जरूरी है, रिलायबिलिटी ऑफ द टेस्ट भी जरूरी है, और एज ग्रुप और ग्रेड ऑफ द सब्जेक्ट्स भी जरूरी है। तो इस तरह से जो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ऑल ऑफ द एबव, जितनी भी बातें यहाँ पर दी गई हैं सभी बातें जरूरी होती हैं हमें जब हम किसी टेस्ट या परीक्षण को बनाने की तैयारी करते हैं, उसकी प्लानिंग या योजना बना रहे होते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, व्हाट वुड दिस मिक्स्ड मेथड डिजाइन बी कॉल्ड? कॉल
ईरो क्वान, इसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन आर इक्वल स्टेटस सिक्वेंशियल डिजाइन, डोमिनेंट स्टेटस सिक्वेंशियल डिजाइन, डोमिनेंट स्टेटस कंकरेंट डिजाइन एंड इक्वल स्टेटस कंकरेंट डिजाइन। सो द राइट ऑप्शन इज डोमिनेंट स्टेटस सिक्वेंशियल डिजाइन कहते हैं हम सभी लोग ये जो मिक्स्ड मेथड्स का जो डिजाइन दिया हुआ है। सो द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76, इफ द सैंपल साइजेस आर लार्ज फ्रॉम द पॉपुलेशन देन विच एरर्स विल कंट्रीब्यूट मोर एरर्स। ध्यान दीजिए कि जब सैंपल साइज जो है वो पॉपुलेशन से बड़ा हो, सैंपल साइजेस आर लार्ज फ्रॉम पॉपुलेशन, फ्रॉम द पॉपुलेशन द पॉपुलेशन से जो हम सैंपल साइज लेते हैं वो बहुत बड़े हों, देन विच एरर्स, तब उसमें कौन सा एरर अधिक होगा। ऑप्शन आर सैंपलिंग एरर, नॉन सैंपलिंग एरर, बोथ ए एंड बी। तो फिर विद्यार्थियों ऐसी कंडीशंस में जब सैंपल की साइजेस बड़े होते हैं तो वहां पर कौन से एरर्स होते हैं? नॉन सैंपलिंग एरर होगा। ध्यान दीजिए प्रश्न क्या है, प्रश्न है कि इफ द सैंपल साइजेस आर लार्ज फ्रॉम द पॉपुलेशन, अर्थात जनसंख्या से जो सैंपल ले रहे उसकी साइज बहुत बड़ी हो, देन विच एरर विल कंट्रीब्यूट मोर एरर्स, किस एरर्स की वजह से ज्यादा त्रुटियां आएंगी, तो वो है नॉन सैंपलिंग एरर्स। सो द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज If the sample sizes are large from the population, then which error will contribute less errors? ध्यान दीजिए कि अब कहा जा रहा है कि यह जो sample size हो अधिक हो, बड़ी हो, बड़ा sample size हो, तब कौन सा error सबसे कम त्रुटि पैदा करेगा, less errors होगा, तो कौन सा होगा? That is sampling error. So here the A option is the right option. जब अधिक की बात की जाएगी, मोर एरर्स की बात की जाएगी, तब नॉन सैंपलिंग एरर, जब लेस एरर्स की बात की जाएगी तो सैंपलिंग एरर। सो द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, हियर आंसर इज सैंपलिंग एरर। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, द फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट इज आल्सो नोन एज, जो पहला एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए ड्रेस रिहर्सल, बी प्रॉपर ट्राई आउट, सी प्री ट्राई आउट, डी एसेंशियल ट्राई आउट। तो डियर स्टूडेंट्स, द फर्स्ट Administration during the construction of a standardized test is also known as pre-tryout. So the C option is the right option. The next question, question number 79. Simple random sample can be drawn with the help of. Options are A. Random number tables, B. Cheat methods, C. Roulette wheel, or D. All of the above. Yeah, all the above. So dear students, by random number tables, by cheat methods, and by roulette wheel methods, we can draw samples in simple random sampling method. So the D option is the right options. Random number table का भी प्रयोग कर सकते हैं, cheat method का भी कर सकते हैं, और roulette wheel methods का भी प्रयोग कर सकते हैं। The next question, question number 80, items difficulty can be determined by. Options are by the judgment of the experts, B statistically, C both A and B. तो प्रिय विद्यार्थियों, जब item difficulty की हम लोग बात करते हैं तो आइटम डिफिकल्टी कैन बी डिटरमाइंड बाई द जजमेंट ऑफ द एक्सपर्ट्स, एक्सपर्ट्स जो हैं उनसे भी हम निर्णय लेते हैं, और साथ ही साथ स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी का भी प्रयोग करते हैं, और इन दोनों का प्रयोग करके हम आइटम्स की डिफिकल्टी को डिटरमाइन करते हैं, उसको निकालते हैं। सो द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, बोथ ए एंड बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81, If each and every unit of a population has an equal chance of being included in the sample, it is called. अगर प्रत्येक यूनिट की population के प्रत्येक यूनिट का जो है sample के रूप में चयनित होने की संभावना बराबर होती तो उसे कहते हैं A restricted sample, B unrestricted sample, C purposive sample and D subjective sample. तो प्रिय विद्यार्थियों, ऐसे conditions में जहाँ पे प्रत्येक यूनिट का population के प्रत्येक यूनिट का सैंपल के रूप में सिलेक्ट होने की संभावना बराबर होती है, इक्वल चांसेस होते हैं, ऐसे सैंपलिंग हम लोग कहते हैं अनरिस्ट्रिक्टेड सैंपलिंग। सो द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82, इंडेक्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑफ एन आइटम इज आल्सो नोन एज, मीन्स डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स को और भी क्या कहते हैं? ऑप्शन आर ए आइटम रिलायबिलिटी इंडेक्स, बी आइटम वैलिडिटी इंडेक्स, सी आइटम ऑब्जेक्टिविटी इंडेक्स, और डी ऑल ऑफ द एबव। तो प्रिय विद्यार्थियों, इंडेक्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इज आल्सो नोन एज आइटम वैलिडिटी इंडेक्स, उसको आइटम वैलिडिटी इंडेक्स भी कहा जाता है। सो द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स इज आल्सो कॉल्ड एज आइटम वैलिडिटी इंडेक्स।
The next question, question number 83. If all the observations in a set of observations are the same, then variance of a set of a value is. ध्यान दीजिए, if all the observations in a set of observations are the same, जितने भी observations हैं या जितने भी scores हैं सभी बराबर हैं, तो variance कितना होगा? And your options are A0, B2, C infinite and D none. तो चूंकि जितने भी ऑब्जर्वेशन सभी सेम हैं, तो वहां पे वेरियंस क्या होगा? कोई वेरियंस नहीं होगा, जीरो होगा. सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन. इफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस इन अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर द सेम, द वेरियंस ऑफ द सेट ऑफ वैल्यू इज जीरो. द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84. एन इफेक्टिव आइटम मस्ट बी, ऑप्शंस आर मॉडरेट डिफिकल्ट, हाई डिस्क्रिमिनेटिंग बोथ ए एंड बी. तो प्रिय विद्यार्थियों, जो इफेक्टिव आइटम होता है, इफेक्टिव आइटम को मॉडरेट डिफिकल्ट भी होना चाहिए और साथ ही साथ हाई डिस्क्रिमिनेटिंग भी होना चाहिए. सो द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन. एन इफेक्टिव आइटम मस्ट बी मॉडरेट डिफिकल्ट एज वेल एज हाई डिस्क्रिमिनेटिंग. द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85. एज अ नॉर्मल प्रैक्टिस सैम्पलिंग फ्रैक्शन इज कंसिडर्ड टू बी नेग्लिजिबल इफ इट इज. ध्यान दीजिए, एज अ नॉर्मल प्रैक्टिस सैम्पलिंग फ्रैक्शन इज कंसिडर्ड टू बी नेग्लिजिबल. कब सैम्पलिंग फ्रैक्शन को हम नेग्लिजिबल कर सकते हैं? ऑप्शन आर ए मोर देन 5%, लेस देन और इक्वल टू 5%, मोर देन 10% और नन. तो ध्यान दीजिए, एज अ नॉर्मल प्रैक्टिस सैम्पलिंग फ्रैक्शन इज कंसिडर्ड टू बी नेग्लिजिबल इफ इट इज लेस देन और इक्वल टू 5%. सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन. जब जो सैम्पलिंग फ्रैक्शन क्या है वो लेस देन और इक्वल टू 5% है, तब उसको हम नेग्लिजिबल कर सकते हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86. ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ आइटम एनालिसिस इफेक्टिवनेस ऑफ द ईच आइटम इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ स्कोर्स ऑफ ए अपर 20% ओनली ऑफ द ग्रुप, बी लोअर 20% ओनली ऑफ द ग्रुप, सी मिडिल 46% ओनली ऑफ द ग्रुप एंड डी अपर 27% एंड लोअर 20% ऑफ द ग्रुप. तो प्रिय विद्यार्थियों, जब हम सभी लोगों ने आइटम एनालिसिस के बारे में पढ़ा था, तो उसमें हम जानते हैं कि जब इफेक्टिवनेस ऑफ ईच आइटम इज का डिटर्मिनेशन करना होता है, तो वहां पे अपर 27% और लोअर 27% दोनों को लेते हैं. जो समूह के ऊपर के 27% होते हैं और नीचे के जो 27% होते हैं, उनका हम सिलेक्शन करते हैं. सो हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन. द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87. सिस्टमैटिक सैंपलिंग इज यूज्ड व्हेन. ऑप्शंस आर ए व्हेन डेटा आर ऑन कार्ड्स, बी व्हेन द आइटम्स आर इन रो, सी व्हेन द आइटम्स आर गिवन इन ए सीक्वेंशियल ऑर्डर एंड डी ऑल ऑफ द अबव. तो प्रिय विद्यार्थियों, जो सिस्टमैटिक सैंपलिंग होता है, उसका हम प्रयोग कर सकते हैं व्हेन डेटा आर ऑन कार्ड्स, तो कर सकते हैं. व्हेन आइटम्स आर इन रो, तब भी कर सकते हैं. व्हेन द आइटम्स आर गिवन इन द सीक्वेंशियल ऑर्डर, तब भी कर सकते हैं. सो हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन. सिस्टमैटिक सैंपलिंग इज यूज्ड व्हेन डेटा आर ऑन कार्ड्स, व्हेन द आइटम्स आर इन रो, व्हेन द आइटम्स आर गिवन इन ए सीक्वेंशियल ऑर्डर. इन बोथ, इन ऑल कंडीशंस वी कैन यूज सैंपलिंग, सिस्टमैटिक सैंपलिंग. सो हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन. द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88. द पर्पज ऑफ क्राइटेरियन डिफरेंस टेस्ट इज. ऑप्शंस आर ए मेकिंग डायग्नोस्टिक डिसीजन, बी मार्किंग प्रोग्रेस, सी मेकिंग अचीवमेंट डिसीजन एंड डी ऑल ऑफ द अबव. तो प्रिय विद्यार्थियों, जो क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट होता है, इसका उद्देश्य होता है मेकिंग डायग्नोस्टिक डिसीजन, राइट. मार्किंग प्रोग्रेस इट इज ऑल्सो राइट. मेकिंग अचीवमेंट डिसीजन ये भी सही है. तो यहाँ पे डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन. द पर्पज ऑफ क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट इज मेकिंग डायग्नोस्टिक डिसीजन एज वेल एज मार्किंग प्रोग्रेस एंड मेकिंग अचीवमेंट decision. So D option is the right option. The next question, question number 89. If the population units n is multiple of n and k, then we use. यहाँ पे population units capital N और जो सिंपल small n and k कह रहा है कि if the population units n is multiple of n and k, then we use. Options are A linear systematic sampling, B circular systematic sampling, C random systematic sampling and D all of the above. The dear students, if the population units n is multiple of small n and k, then we use linear systematic sampling. So here A option is the right option. The next question, question number 90. Item facility is. Item facility kya hota hai? A the proportion of students who answered a particular item correctly, B the proportion of students who answered a particular item wrongly, C ratio of students answering an item correctly and wrongly. So dear students, the item facility is the proportion of students who answered a particular item correctly. So here the A option is the
right option. Item facility is the proportion of students who answered a particular item correctly. The next question, question number 91. Circular systematic sampling is used when? Options are A, n is a whole number, B, n is not divisible by n, C, n is a multiple of n, and D, all of the above. The dear students, circular systematic sampling is used when n is not divisible by small n. So here the B option is the right option. When n is not divisible by small n, then circular systematic sampling is used. The next question, question number 92. The question number 92, calculate the difference index of item facility pretest is 0.20 and item facility posttest is 0.70. Dear students, यहाँ पे हमको क्या करना है, डिफरेंस इंडेक्स निकालना है, डिफरेंस इंडेक्स ऑफ आइटम फैसिलिटी निकालना है. ऑप्शंस आर ए 0.5, बी 90, सी 0.14 एंड डी 3.5. तो डियर स्टूडेंट्स, द डिफरेंस इंडेक्स इज डिफाइंड एज द आइटम फैसिलिटी ऑन द पार्टिकुलर आइटम फॉर द पोस्ट टेस्ट माइनस द आइटम फैसिलिटी फॉर द दैट सेम आइटम ऑन द प्री टेस्ट. अर्थात जो पोस्ट टेस्ट है और उसको जो प्री टेस्ट है उसमें से जब आइटम फैसिलिटी पोस्ट टेस्ट माइनस आइटम फैसिलिटी प्री टेस्ट हम कर देते हैं तब हमारा आ जाता है डिफरेंस इंडेक्स. तो हियर द डिफरेंस इंडेक्स इज 0.5. सो इन दिस केस द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन. द डिफरेंस इंडेक्स इज डिफाइंड एज द आइटम फैसिलिटी ऑन द पार्टिकुलर आइटम फॉर द पोस्ट टेस्ट माइनस द आइटम फैसिलिटी फॉर दैट सेम आइटम ऑन द प्री टेस्ट. दैट इज difference index is equal to 0.70 minus 0.20, that is equal to 0.50. So the option A is the right option, 0.50. The next question, question number 93. Problem of non-response has options A, no solution, can be solved, B and C, no meaning. जब हम कोई क्वेश्चनर भरवाते हैं या स्केल भरवाते हैं वहाँ पर नॉन रिस्पॉन्स होता है किसी क्वेश्चन में, तो हम क्या उस जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ऑफ नॉन रिस्पॉन्स है, उसका सोल्यूशन हो सकता है, सॉल्व हो सकता है कि नहीं सोल्यूशन है, तो उसको हम सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि उसको हम मान लेते हैं कि वो बीच वाले में है, इनडिफरेंस या अनिश्चित वाले में उसको हम मान लेते हैं. सो द प्रॉब्लम्स ऑफ नॉन रिस्पॉन्स हैज कैन बी सॉल्व. हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन. द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94. विच अमंग द फॉलोइंग मे बी रीजन फॉर अ क्राइटेरियन डिफरेंस टेस्ट नॉट परफॉर्मिंग वेल. जो CRT है हमारा, CRT अच्छा काम क्यों नहीं कर रहा है, CRT इज नॉट परफॉर्मिंग वेल, व्हाट आर द रीजंस. ऑप्शंस आर ए confusing material regarding to the particular objective, B students are not ready to learn the objective, and C both A and B. Dear students, in both cases when confusing materials regarding to the particular objectives, then CRT will not perform well, and when students are not ready to learn the objectives, then also the CRT will not perform well. So in this condition the C option is the right options. When confusing material regarding to the particular objective and students are not ready to learn the objective, then our criterion reference test will not perform well. The next question, question number 95. Sampling is only the option in which one of the following situations. And your options are blood test of a person, infinite population for testing fat of a milk, and all of the above. So dear students, in all the conditions, in the conditions of blood test, in the condition of infinite population, and in the conditions of testing fat of a milk, sampling is only option for us. Sampling is only option in all these conditions. So the D option is here. D option is the right option. चाहे blood test की बात हो, चाहे जो हमारा जनसंख्या हो infinite हो, या फिर किस milk में fat की जांच करनी हो, वहाँ पे हम सभी को sampling करना ही पड़ेगा, वही हमारे पास विकल्प होता है. The next question, if the sample size increases, then sampling error will. जब sample size हम बढ़ाते हैं तो sampling error क्या होता है, तो sampling error घटता है, decrease करता है. ध्यान दीजिए, जब भी हम sampling size, sample की size को बढ़ाते हैं तो sampling error कम होगा, घटेगा. द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97. द डिस्क्रिपेंसीज बिटवीन सैंपल स्टैटिस्टिक एंड पॉपुलेशन पैरामीटर इज कॉल्ड एज पर्सनल ईरर, सैम्पलिंग ईरर, रिस्पॉन्स ईरर और नॉन सैम्पलिंग ईरर. तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने पहले भी पढ़ा कि सैंपल स्टैटिस्टिक और पॉपुलेशन पैरामीटर के बीच जो डिस्क्रिपेंसीज होती है, दैट इज नोन एज सैम्पलिंग ईरर. सो द बी ऑप्शन इज द
राइट ऑप्शन. द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98, इफ सैंपल साइज इंक्रीज देन नॉन सैंपलिंग ईयर विल, जब सैंपल की साइज को हम बढ़ाएंगे तो नॉन सैंपलिंग ईयर क्या होगा, घटेगा या बढ़ेगा. तो प्रिय विद्यार्थियों, सैंपलिंग ईयर तो घटेगा लेकिन नॉन सैंपलिंग ईयर बढ़ेगा. सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन. द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99, अ सैंपल सिस्टमेटिकली डिफरेंट फ्रॉम अ पॉपुलेशन करेक्टरिस्टिक्स इज कॉल्ड, अ सैंपल सिस्टमेटिकली डिफरेंट फ्रॉम पॉपुलेशन करेक्टरिस्टिक्स, अर्थात कोई एक ऐसा सैंपल है जो कि जनसंख्या के गुणों से भिन्न है, तो इस प्रकार के सैंपल को हम क्या कहेंगे. तो प्रिय विद्यार्थियों, जब जनसंख्या के गुणों से भिन्न है वो सैंपल, तो सैंपल हमारे काम का भी नहीं होता है. दैट इज नॉट अ रेंडम सैंपल, दैट इज नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव सैंपल, दैट इज नॉट क्लस्टर सैंपल, दैट इज अ बाइस्ड सैंपल. वह बाइस्ड सैंपल है, पक्षपातपूर्ण जो है सैंपल होता है, दैट इज नॉट यूजफुल. सो अ सैंपल सिस्टमेटिकली डिफरेंट फ्रॉम अ पॉपुलेशन करेक्टरिस्टिक्स इज कॉल्ड बाइस्ड सिंपल. हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन. नाउ द क्वेश्चन नंबर 100, विच वन इज नॉट रिलेटेड टू नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग से कौन संबंधित नहीं है. ऑप्शंस आर ए सिंपल सैंपलिंग, बी जजमेंटल सैंपलिंग, सी चेन सैंपलिंग एंड डी एरिया सैंपलिंग. तो डियर स्टूडेंट्स, जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होता है उस नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग से सिंपल सैंपलिंग जुड़ा है, जजमेंटल सैंपलिंग जुड़ा है, चेन सैंपलिंग में जुड़ा है, बट एरिया सैंपलिंग नहीं जुड़ा है, बिकॉज एरिया सैंपलिंग इज अ टाइप ऑफ क्लस्टर सैंपलिंग और क्लस्टर एरिया सैंपलिंग इज अ क्लस्टर सैंपलिंग एंड इट इज अ प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग. तो हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, एरिया सैंपलिंग या क्लस्टर सैंपलिंग. दिस सैंपलिंग इज नोन एज द एरिया सैंपलिंग, क्लस्टर सैंपलिंग इज नोन एज द एरिया सैंपलिंग एंड क्लस्टर सैंपलिंग इज अ प्रोबेबिलिस्टिक सैंपलिंग मेथड्स. तो इस तरह से प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम सभी लोगों ने 40 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का अभ्यास किया इस क्लास में, इस वीडियो में. आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू. प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो. आप इस वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने फ्रेंड सर्किल में दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे कि वे भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें. और साथ ही साथ वीडियो पर आप कमेंट्स भी कर सकते हैं. कमेंट्स के द्वारा यदि आपका कोई बहुमूल्य सुझाव है या कोई प्रश्न है या कोई समस्या है तो आप हम तक पहुँचा सकते हैं. हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे और साथ साथ जो भी आपके बहुमूल्य सुझाव आएंगे उन सुझावों पर अनुपालन भी करने का प्रयास करेंगे. साथ साथ आप सभी प्यारे भाई और बहनों में से, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों में से जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप अपने कोर्स रिलेटेड सभी एजुकेशनल वीडियोज को आसानी से प्लेलिस्ट में जाकर के देख पाए. इसके लिए जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल के आइकन को प्रेस करिए. उसको प्रेस करने पे कुछ ऑप्शंस आते हैं, उनमें से आप आल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए. इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए वीडियोस आएंगी उसकी नोटिफिकेशन, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको समय से मिल जाएगी और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा. तो प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू. प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल. थैंक्स टू ऑल ऑफ यू.